नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं मंजू सिंह, हाजिर है कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ। कार्यक्रम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, और आज हम खास तौर पर बात करेंगे बांस के बारे में कि कैसे सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयत्न कर रही है। इसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की, जिसमें दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी, और अंत में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे अंगूर की खेती के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। हाल ही में राजधानी दिल्ली में स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में एक दिवसीय बांस सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मकसद ये था कि बांस के क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों की बेहतरी कैसे हो और इस दिशा में और कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जो कि लेने जरूरी है ताकि किसानों की आय बेहतर हो। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। बांस के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर इससे जुड़े किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस अवसर पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव अलका भार्गव एवं देश भर के अधिकारी तथा वैज्ञानिकों ने भाग लिया। यहां पर बांस से निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए विभिन्न राज्यों के स्टॉल लगाए गए। बांस के उत्पादन, उत्पाद एवं गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे उत्पाद की देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी पहचान बने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय बांस मिशन की सफलता के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा, साथ ही छोटे छोटे उत्पाद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज राष्ट्रीय बांस मिशन ने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के अधिकारीगण और इस क्षेत्र में काम करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि किसान की आय में बांस का योगदान हो और वो आय बढ़ाने में सहायक हो। प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है कि कृषक की आमदनी 5 वर्ष में दोगुनी होनी चाहिए, उस लक्ष्य प्राप्ति में भी बांस मिशन का सहयोग हो सके। और जो रोजगार सृजन करने का एक बड़ी चुनौती हमारे पास है, इस मिशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की उपलब्धता हमारे देश में हो सके और गांव और किसान की आमदनी और उसके घर में समृद्धि आ सके, इस दिशा में इस कॉन्फ्रेंस को आज आयोजित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं, अधिकारीगण शामिल हो रहे हैं, अपने अपने राज्य में जो काम हो रहा है वो भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो भी निश्चित रूप से उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, जो निष्कर्ष आएंगे वो इस मिशन को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। इस अवसर पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि बांस को पेड़ों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। ये मिशन बनने के बाद और ये फॉरेस्ट एक्ट में सुधार करने के बाद अभी इसका उगाना काटना ये सरल हो गया है, मगर अभी ये किसानों के साथ जो आम किसान थे हैं उनके साथ इसका जोड़ना ये अभी तक हुआ नहीं है। साधारण किसान है, समझो मैं गुजरात से हूँ, किसान ही हूँ, तो वहाँ हमारे किसानों को इनके इस मिशन के साथ कैसे जोड़ा जाए इसकी कोई रूपरेखा हमें बनानी चाहिए, ताकि वो किसानों को लगे कि भाई ये मेरे, और मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि हम वहाँ एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं डिपार्टमेंट का, हर मेड़ पे पेड़ एक कार्यक्रम चल रहा है। अब ये पेड़ में से निकल गया है, मगर ये मेड़ में बहुत उपयोगी चीज़ है और इसकी मेड़ अच्छी बन सकती है, और क्योंकि इसको पानी कम लगता है
तो इसी के चलते इनका उपयोग हो सकता है। तो इसको कोई ड्राइव के रूप में या इसकी मेड़ बनाने में, जैसे हम वो बनाते हैं वायर फेंसिंग की भी योजनाएं चल रही हैं वो जानवरों से बचाने के लिए, उसी में भी ये लाइव बन सकती है और इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो उसी में कोई प्रोत्साहन की योजना कैसे बनाई जाए, ऐसे आप राज्यों में काम करने वाले और ज़मीन पे काम करने वाले लोगों को ये विचार के लिए बिंदु में रख रहा हूँ, ताकि इनका बढ़ोतरी भी होगी और उसका फायदा भी मिलेगा। दूसरा, ये अगरबत्ती वाला जो इश्यू है उसी में ज़्यादा सबसे इम्पोर्ट हमारा हो रहा है। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कंट्री में काफी फॉरेस्ट कवर बैम्बू के अंतर्गत है, 14 मिलियन हेक्टेयर करीब हमारा कवर है, और अगर फॉरेस्ट एरिया का देखें करीब 13-14% फॉरेस्ट एरिया बैम्बू से कवर्ड है। और ये खाली नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ के स्टेट, कर्नाटका, यूपी, कई स्टेट्स में पैन इंडिया बेसिस पे कवर्ड करके काफ़ी कुछ कवर्ड है। टू स्ट्रैटेजीज आर रिक्वायर्ड एंड विच इज मिनिस्ट्री का फोकस भी है। ग्रोथ में जो इम्पीडेंट्स हैं, जो इम्पीडेंट्स को दूर करने का प्रयास किया जाए। पहला इम्पीडेंट ये था कि फॉरेस्ट, इफ़ यू ग्रो बैम्बू इन योर एरिया ऑन योर लैंड, ट्रांसपोर्टेशन वाज़ अ इशू, यू हैव टू रन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू गेट परमिशन उसको काटने के लिए, सब करने का। बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने उसको पूरा ख़त्म कर दिया, जिसे एक इम्पोर्ट समाप्त किया गया। मिशन का मतलब ये होता है कि इम्पीडेंट्स आइडेंटिफाई किए जाए, उनको दूर किया जाए। मैं दो तीन एग्जाम्पल रेज करके बताऊँगा। सेकेंड, जो 5-6 महीने पहले हम लोगों ने गुवाहाटी में बैठक करी थी और हम लोगों ने यहाँ पर स्टेक होल्डर से बात भी करी थी, उसमें ITC भी थे, प्राइवेट होल्डर्स भी थे और प्रोड्यूसर्स भी थे, ये बात निकल के आई कि पहले जो हमारी अगरबत्तियाँ थी, अगरबत्ती में काफ़ी ट्रेड में जाता है, तो अगरबत्तियाँ पहले यूज़ होते थे, जो बैम्बू स्टिक यूज़ होती थी वो 4 टाइप की थी, अब मिल्क के लिए उसको गोल यूज़ होने लगी है। सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया है, वो सेक्टर ग्रो करने के लिए वो सारा चाहे वियतनाम से या अन्य देशों से या देशों के एक्सपोर्ट होकर आ रहा है। इस चीज़ को मिनिस्ट्री ने कॉमर्स मिनिस्ट्री टेकअप किया, मुझे बहुत खुशी है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने माननीय मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात से इन सब चीज़ों को रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड के अंदर लेके आए हैं। जब रेस्ट्रिक्टेड के अंदर लेके आए, बहुत सारे लोगों का कहना था कि रेस्ट्रिक्टेड के अंदर आ गया है, अब ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगरबत्ती ट्रेड को हर्ट करेगा, एक्सपोर्ट भी करता है। बट आफ्टर ड्यू प्रोसेस कंसल्टेशन और थॉट प्रोसेस एंड कंसल्टेशन कंसिडर्ड कि अल्टीमेटली थोड़ा डिस्ट्रप्टिव करना पड़ेगा, देन इंडस्ट्री ग्रो करती है, इंडस्ट्री सपोर्ट है। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव अलका भार्गव ने कहा कि बांस के विभिन्न उत्पाद को तैयार करना एवं इसे देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए मंत्रालय लगातार प्रयासरत है। जो कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, ये इसमें सारी जो करीब 23 स्टेट्स हमारी जोड़ी हुई हैं नेशनल बैम्बू मिशन से, तो उन सब के साथ डिस्कशन हो रहा है। जैसे पता है आपको कि पिछले साल ये रीस्ट्रक्चर्ड मिशन लॉन्च हुआ था, तो एक साल के हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें कहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छा किया है, तो उसका ही जायज़ा लेने और आगे काम बढ़ाने के लिए। और किसानों की जो आप बात कर रहे हैं, ये बांस जैसे है इसको मेड़ पर भी लगाया जा सकता है और इंटरक्रॉपिंग भी हो जाती है, और अगर किसान के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो पूरा एक ब्लॉक प्लांटेशन हो सकता है। तो डिपेंडिंग कि क्या स्पेसिंग है, कौन सी स्पीशीज़ है, तो किसानों को अपने फसल के ऊपर 30,000 से लेके 3.5 लाख 4 लाख तक प्रति हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से मिल सकता है। और बांस मतलब हर डिपेंडिंग कि आप किस यूज़ के लिए है वो, लेकिन अमूमन 3 या 4 साल के बाद वो कटना के लिए शुरू हो जाता है। हर साल काटिए और हर साल नए कल्ले निकलेंगे, तो हर 3rd या 4th ईयर से किसान को अच्छी आय मिल जाएगी। बिल्कुल, जो हमारे किसान करना चाहते हैं बैम्बू की खेती और या फिर जो इससे जो वस्तुएं मिलती हैं उनकी अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे, किस तरह से जो मार्केट है उसको सर्च करें, कैसे जो अपनी वस्तुएं हैं उनकी बिकवाली करें? ये एक बहुत ज़रूरी कड़ी है हमारे मिशन में, क्यों, और जो किसान अगर इस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो वो जो स्टेट बैम्बू मिशन डायरेक्टर हैं
उनके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, और उनके वो तो स्टेट कैपिटल में होंगे, लेकिन जैसे डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में भी जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या इंडस्ट्रीज़ वाले हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, किसी से भी बात कर सकते हैं और उससे उनको जानकारी मिलेगी। एक प्रश्न और रहेगा यहाँ पे मेरा, क्या किसी तरीके की ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है किसानों को इसके तहत? स्किल डेवलपमेंट तो एक बहुत ज़रूरी इसमें हम लोग के आयाम है इसमें, और इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल जैसे स्किल डेवलपमेंट हर स्टेज पे हो सकता है, नर्सरी कैसे लगाएं, बागानी कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे बनाएं। तो जैसे प्रोडक्ट की बात अगर हम करें, कुछ आपने यहाँ पे देखा होगा ट्रेडिशनल हैट्स वगैरह हैं, इतनी खूबसूरत उसकी वीविंग है हाथ से कि अगर हम लोग ने उसको सपोर्ट नहीं करा तो यंगर जनरेशन शायद उसमें ना रहे, तो ये हमारी जो कला है वो लुप्त हो जाएगी। सो व्हाट वी आर ऑल्सो ट्राइंग इज कि ये जो ट्रेडिशनल जैसे चीज़ें वीविंग हो रही है उसको जो आज की मार्केट का डिमांड है, होम डेकोर है या और लैम्प शेड्स यहाँ कुछ आपने देखे होंगे, उसमें डाइवर्सिफाई कर दें तो वो वीविंग की कला बनी रहेगी अपने यहाँ। क्योंकि इंडस्ट्री का तो सामान ठीक है बनता है, लेकिन मुझे पर्सनली अपनी जो देश की जो हाथ की कला है ना उसे बरकरार रखना है। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर YR मीणा ने कहा, इस पर एक दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका सीधे तौर पर मकसद यही है कि बांस की खेती को बढ़ावा देना, और बांस की बहुत सी प्रजातियां हैं जो अभी तक जहां पर बांस की खेती होती है, उसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में भी बांस उगाया जा सकता है जहाँ अभी तक उसकी खेती नहीं हो रही है। हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ने आज इसका उद्घाटन किया, और देश भर से जहाँ भी बांस की खेती होती है, खासकर हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ के काफ़ी लोग जो बांस की खेती या बांस के जो उद्यमी हैं जो इसके उत्पाद बनाते हैं तरह तरह के आकर्षक, वो सब ने यहाँ पर भाग लिया है, और एक छोटी सी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसमें कई सारे राज्यों के हमारे बांस के उत्पादक और बांस के जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग, उनके कारीगर वो यहाँ पर आए। आपने देखा होगा नीचे जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षक मतलब इसके उत्पाद हैं बांस के। तो कहने का मतलब यह है कि बांस की खेती के माध्यम से किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि रोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं, बांस के जो उत्पाद बनाते हैं उसमें जो कुशल कारीगर लगते हैं, निश्चित तौर पर उससे जो रोज़गार है हमारे युवाओं को या ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, बहुत अच्छा रोज़गार मिल सकता है।